वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी हम लोग जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है रेल विकास लिमिटेड का। और देखा जाए तो 11 बज रहे हैं मार्केट आवर में मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखा जाए तो आज का इसका डे रेंज जो रहा है 49.82 से लेकर 52.65 पे। तो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है दोस्तों रेल विकास निगम को। हमने 38-39 पे हमने डिस्कस किया था, वहाँ से देखा जाए तो आपको अच्छा खासा 25 से 30% का रिटर्न जो है इसमें देखने को मिल चुका है। अब बात करें यहाँ से आपको कितना प्राइस मिल सकता है वो चीज़ें हैं, और यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए ये भी जानने की कोशिश करेंगे, और फंडामेंटल भी इसका देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे बात करें दोस्तों सबसे पहले तो चलिए हम लोग टेक्निकल देख लेते हैं। टेक्निकल देखने के बाद जो है इसका थोड़ा सा फंडामेंटल को भी देखने की कोशिश करेंगे। देखिए टेक्निकल लेवल पे हमें क्या क्या चीज़ें जरूरी थी जो मार्क करना था। देखिए 29 का लेवल जो मार्क करना था, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो एक बेस बना और यहाँ से रिवर्सल भी देखने को मिला। 29 के लेवल पर एक बार नहीं आपको दो बार देखने को मिला, और इसके ऊपर भी देखा जाए तो 30 का लेवल, तो यानी 31 से लेकर 32 से लेकर 29, ये 3 रुपये का जोन था जो कि काफ़ी दिनों तक इसमें जो है ये फंसा रहा था। अब इसके बाद देखा जाए तो ये ब्रेकआउट जो है अभी यहाँ पे हाई देखा जाए तो ब्रेकआउट जो फ्रेश ब्रेकआउट मिला था वो है 39 के ऊपर, और हमने जो है यहीं पे आपको ये डिस्कस किया था जब ये ब्रेकआउट दे रहा था, यानी 39 पे हमने जो है एक्युमुलेशन की बात की थी। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखा था वो करीब करीब आपका जो है ये जो लेवल है यहाँ पे 38 का, ये इसको हमने एक जो है स्टॉप लॉस रखा था, तो ये स्टॉप लॉस के साथ तो यहाँ पे आपने बना होगा। और दूसरा जो स्टॉप लॉस रखा था जहाँ पे एक्युमुलेट करना था वो है 35 से 36 का लेवल, जहाँ पे एक्युमुलेट करके फिर से जो है ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते थे। अब यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे एक हाई लगा था 42 का, और 42 से चूंकि हमने यहाँ पे जो है 38-50 का एक स्टॉप लॉस बना के रखा था, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये पोजीशन बना, आप पोजिशनली जो इसको रखे होंगे तो यहाँ से आपका जो है देखा जाए तो हाई जो लगा था वो है 54 का, यानी 39 से हमने 15 रुपये लगभग कमाए। तो आप समझ सकते हैं 30-40% जो है बहुत कम समय में हमने जो है 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे बना लिए। अब यहाँ पर देखें दोस्तों तो आपको क्या है 52 पे ये चल रहा है, लो देखा जाए आज का तो देखा जाए तो 49 के आसपास का है, 49-50 के आसपास का है। और उसके बाद का एक लो देखा जाए तो आपको 48-60 का जो है एक लेवल देखते हैं, यानी ओबियस है आपको क्या करना है, ये जो दो लेवल है आपको यदि मुनाफा वसूल करना है यदि इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है आपको 48-50 का लगा लेना चाहिए। 48-50 पे दो चीज़ें हो सकती हैं, 48-50 पे या तो यहाँ से ये जो है वो नीचे आके ऊपर जा सकता है, या यहाँ पे क्या कर सकते हैं यदि आप ये जो लेवल है यहाँ पे आप 50 का जो लेवल है 50-50 का जो लेवल है इसको स्टॉप लॉस रखिए। और यहाँ पे जो है यदि 50 या 48 तक लगभग जो छुएगा ही वहाँ पे फिर एक्युमुलेट करके आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में 50-50 का जो है एक स्टॉप लॉस रख के इसमें जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। क्योंकि आज का कैंडल देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, और हो सकता है कि यदि क्लोजिंग जो है आपका 52-53 के ऊपर देखने को मिलता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो ओबियस है कल के ट्रेडिंग सेशन में ये 56 के प्राइस को भी टच करने की कोशिश करेगा। अब फंडामेंटली देखा जाए इस शेयर का स्टॉक का पी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे है 8.05 का, और इंडस्ट्री पी जो है 36 का, यानी 4 गुना सस्ता आपको ये जो है मिल रहा है। और यहाँ पर देखा जाए आरओई काफ़ी अच्छा है। और रेल विकास निगम का सबसे बड़ी बात की जाए तो जो भी आपको टेंडर यानी रेलवे में जो आपको जो दिख रहा है डेवलपमेंट दिख रहा है उसका सबसे ज़्यादा फायदा जो है आपको रेल विकास निगम लिमिटेड को देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो न्यू लाइन्स हो, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, मेजर ब्रिजेज हो, वर्कशॉप हो, प्रोडक्शन यूनिट हो, या शेयरिंग ऑफ फ्रेट रिवेन्यू हो, ये सारी चीज़ें जो है आपका रेल विकास निगम करती है। और इसमें जो है आपको पता है बुलेट ट्रेन हो, चाहे जो नई ट्रेनें वंदे भारत चल रही हैं, चाहे तेजस चल रही हैं, ये सारे ट्रेनें जो है कहीं ना कहीं इस तरह के पटरियों को बदलना होगा। और आगे आने वाले समय में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा खर्च गवर्नमेंट करेगी और करना भी है, तो ये जो चीज़ें हैं उसको कहीं ना कहीं जो है रेल विकास निगम लिमिटेड में आपको फायदा मिलता हुआ दिखेगा। ऊपर से देखा जाए तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है आने वाले सालों में, मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में जो है या 5 सालों में काफ़ी कुछ, 5 से 10 सालों में आपको यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके स्टेक जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट करती हुई नजर आएगी, यानी इन सब कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर जो है इन सब सेक्टर में घुसेंगे आएंगे, तो वहाँ पे जो है ये जो रेलवे में है वहाँ पे आपको रेल विकास निगम या कोई भी PSU जो आपको देख रहे हैं उसमें अच्छा आपको बढ़ा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे रेल विकास निगम को आपको ध्यान में रखना है, आने वाले समय में इसमें जो है अच्छा पैसा बन सकता है। और यहाँ पर डेब्ट इक्विटी की बात करें तो 0.91% है, EPS देखा जाए तो काफ़ी अच्छा 6.48 का, जबकि आपका शेयर जो है 51 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पर बात किया जाए तो आप
को यदि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो आपको देखा जाए तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है अब तक का हाईएस्ट लेवल पे ही आपको चल रहा है 6% का। और यहाँ पे यदि अदर इनका प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा हो चुका है 1,1324 करोड़ के आसपास। और ईपीएस देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ साल दर साल नज़र आया है। तो कहीं भी देखा जाए तो आपको डाउन साइड इसमें जो है रिजल्ट में नहीं देखने को मिलता है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंट देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका 12 मंथ पे भी इसने जो है अच्छा परफॉर्म किया है। 12 मंथ में देखिए 22% सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिला है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 15% का देखने को मिला है, सीएजीआर देखें तो 36 का है। आपको यहाँ पर देखा जाए तो रिटर्न इन इक्विटी देखा जाए तो अब तक का हाइएस्ट 20% का आपको रिटर्न इन इक्विटी आपका यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो प्रोज में देखा जाए तो डिविडेंड पे आउट काफ़ी अच्छा 3.58% का। यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए 24.2% का सीएजीआर से 5 सालों में देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर डिविडेंड पे आउट देखा जाए तो अपने टोटल रेवेन्यू का 32.3% जो डिविडेंड के रूप में पे करती है ये कंपनी। लेकिन यहाँ पे एक ही कौन सा अर्निंग जो है इंक्लूड करते हैं अदर इनकम, यहाँ पे अदर इनकम को भी इंक्लूड किया गया था 1,003 करोड़ का। तो यहाँ पे आप बात करें तो आरओई जो मैंने बोला कि आरओई देखे आज भी बेस्ट है यहाँ पे, और बुक वैल्यू देखा जाए तो 33 के आसपास है, वहाँ पे बुक वैल्यू को 1.53 के मल्टीपल पे यहाँ ट्रेड कर रहा है, तो कोई ज़्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है। और लगातार देखा जाए तो हायर टॉप हायर बॉटम जो है आपको बनता हुआ इसमें दिख रहा है। तो ये शेयर जो है आने वाले समय में आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपना ऑन रिसर्च जरूर कर लें, और आज का वॉल्यूम थोड़ा सा देख लें। तो यहाँ पे आप देखें दोस्तों तो क्या दिखता है, यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो अब तक जो है 11 बजे तक आपको इसमें 2 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिल सकता है और मिला है। और यहाँ पर देखा जाए तो 22% से ज़्यादा का डिलीवरी उठाया जाता है, 4 करोड़ का वॉल्यूम जो है मुझे लगता है कि आज क्रॉस कर जाएगा, 4 करोड़ से ऊपर निकल जाएगा। और वहीं पर रिजल्ट में भी देखा जाए तो यहाँ पे ईयर एंड ईयर बेसिस पे आपको 21.94% का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। तो यहाँ पे अच्छा खासा जंप भी देखने को मिला, रिजल्ट भी अच्छा है, ईपीएस अच्छा है और डिविडेंड पे आउट अच्छा है। तो सारे सेक्टर में यदि इन्वेस्टमेंट भी करना है, यदि 5 से 10 सालों का भी हो, तो ये पैसा जो है अच्छा खासा पैसा 5 सालों में भी बना के दे सकता है, क्योंकि अब ये चलना शुरू है और ये अभी चलेंगे। क्योंकि देखा जाए तो लिस्टिंग के बाद से काफ़ी समय से ये जो है 32 के लेवल से और ये 40 के लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा था, जो कि अब इसने क्रॉस किया है। तो ये चीज़ें थी जो कि मुझे बताना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।